कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सत्तू का पराठा। तो चलिए हम जानते हैं कि इसे बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। मैदा छोटी कटोरी से एक कटोरी और तेल रिफाइंड। सत्तू छोटी छोटी कटोरी से एक कटोरी। नींबू का रस दो चम्मच, इसी चम्मच से दो चम्मच। एक बड़ा प्याज जिसे हम बारीक काट लिए हैं। धनिया पत्ता, काला नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन हरी मिर्च का 1.5 चम्मच पेस्ट इसी चम्मच से। तो चलिए हम सबसे पहले सत्तू मिलाकर तैयार कर लेते हैं। सत्तू डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, पेस्ट डालेंगे हरी मिर्च लहसुन अदरक का, धनिया पत्ता डालेंगे और प्याज डालेंगे। अब हम काला नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारा सत्तू बनकर तैयार है, सत्तू भरने के लिए तैयार है। अब हम मैदा को गूंथ लेते हैं। मैदा डालेंगे, स्वाद अनुसार काला नमक डालेंगे थोड़ा सा, और 2 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अब मैदा मिल चुका है, अब इसे हम पानी डालकर गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूंथेंगे, एक बार में पानी नहीं डालेंगे। अब आटा हमारा गूंथ चुका है, अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए ढककर के छोड़ देंगे, सेट होने के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट हो चुका है। इस आटे को एक बार हम थोड़ा ऐसे करके मिला देंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे। तो चलिए हम छोटा छोटा लोइया बना लेते हैं। बन चुका है। अब हम चकला लेंगे और बेलना लेंगे। सत्तू लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, ऐसे करके हम ऐसे करके हथेली के सहायता से हम ऐसे करके बना लेंगे, मैदा लपेटेंगे और ऐसे ऐसे करके कटोरी के जैसे ऐसे करके कटोरी के जैसे बना लेंगे। इसमें हम सत्तू भरेंगे। हाथ की सहायता से थोड़ा ऐसे ऐसे हम कर देंगे। इसको फिर हम ऐसे 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 हम चारों तरफ से पूरा इसका मुंह ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा हाथ में पानी लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके गोल गोल घुमा करके हम इसे ऐसे करके हम ऐसे करके हम बना लेंगे। ऐसे करके हम सभी मैदा को भर करके तैयार, आप देख सकते हैं हम सभी में सत्तू भर के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम बेलेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लपेटेंगे, हल्के हल्के हाथों से इसे हम बेलेंगे।
इसी तरह हम दूसरा भी बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा लपेटेंगे दोनों तरफ, इसे भी हम हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। बीच में हम ज़्यादा बेलन नहीं देंगे, साइड साइड से हम पतला करेंगे बेलेंगे। इतना सुंदर बेला चुका है, इसी तरह हम सभी को बेल लेंगे। अब हमारा सभी पराठा बेला करके तैयार है, अब इसे हम तलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, इस पर हम पैन चढ़ाएंगे। पैन में थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल तेल डालेंगे। पैन को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम पराठा डालेंगे। गैस हम मीडियम कर देंगे, फुल तव नहीं देंगे। पलट देंगे, अब दोनों तरफ से हम ब्राउन कर लेंगे। हल्के हाथों से हम, देखिए कितना सुंदर पराठा फूल गया है, अब इसे हम पलट देंगे। देखिए कितना सुंदर ब्राउन हो चुका है, इसी तरह हम उधर भी ब्राउन कर लेंगे। देख सकते हैं दोनों तरफ से ब्राउन हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरा को भी सेक लेंगे। थोड़ा सा हम इस पर तेल लगाएंगे। देखिए कितना सुंदर फूल गया, कितना अच्छा फूल रहा है, अब इसे हम पलट देंगे। कितना सुंदर कलर आ चुका है इसका। हल्के हल्के हाथों से हम चारों तरफ इसे घुमा घुमा करके इसे इसे ताकि साइड में भी अच्छी तरह से पक जाए। पूरी बनकर तैयार है, इतना सुंदर बन चुका है, इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम सभी पराठा तल लेंगे। अब हमारा सत्तू पराठा बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।